अस्सलाम वालेकुम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर ट्वेंटी डिजास्टर मैनेजमेंट जिसमें हमने डेफिनेशन देख ली थी उसकी हैजर्ड्स और डिजास्टर में डिफरेंस दिफ, देखा था टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स देखे थे एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द मिटिगेशन जिसमें एक्चुअली वी वर प्रिवेंटिंग द थिंग्स और प्रपेयरनेस में हमने एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की थी जिसमें हमने रिस्क को देखा था स्टैंडर्ड सेट किए थे कम्युनिकेशन वार्निंग सिस्टम सेट किए थे कोऑर्डिनेशन की थी लोगों के साथ एजुकेशन प्रोग्राम्स किए थे न्यूज़ मीडिया के थ्रू कोऑर्डिनेट की थी इंफॉर्मेशन और फिर हमने डिजास्टर स्टमलेन एक्सरसाइज़ेस करवाई थी अब जो पोस्ट कॉर्ड वाला है ना वो हम बाद में देखते हैं अभी स्टेप्स इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ना हम बाद में देखते हैं वो अभी आपका यू है लेकिन अभी हम चल रहे हैं इस साइकिल के साथ तो साइकिल में थर्ड चीज़ क्या होगी ये सब कुछ हमने प्रिवेंशन भी कर ली हमने जो है एमरजेंसी के लिए तैयारी भी कर ली सब कुछ रिसोसेज भी अवेलेबल हो गए अब आ गया डिज़ास्टर डिजास्टर हो गया हम इस पॉइंट पे आ गए अर्थक्क आ गया फ्लड आ गया वोल कैनो इपशन हो गई जितने भी अभी हमने पीछे देखे हैं उनमें से कोई भी डिज़ास्टर आ सकता है वो आ गया अब हम क्या करें सो नाउ इज़ द ड्यूरिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर में जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या होता है ना तो अब ये है कि पहले जो पहले जो कुछ घंटे होते हैं ना जैसे आपको पता है डिज़ास्टर किसी जगह पे आता है तो लोग कॉल करना शुरू कर देते हैं एमरजेंसी वन वन टू टू आ जाओ इधर डिजास्टर हो गया ये हो गया वो हो गया ठीक है अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया अब क्या होगा सबसे पहले वहाँ पे एम्बुलेंसेज पहुँचेंगी और ये वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैडिंग आपकी बुक में लिखी हुई है वो ये है कि सर्च रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड कि लोगों को ढूंढना है आपने ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी को देखना शुरू कर दो हम किसी जगह पे अर्थ को एक आ गए तो हम ये तो नहीं करेंगे ना वहाँ पे जाके हम बिल्डिंग्स में घुस के लोगों के प्रॉपर्टी को सेव करना शुरू कर दे बिल्डिंग को सेव करना शुरू कर दें हमने सबसे पहले कि रेस्क्यू करना है हमने लोगों को रेस्क्यू करना है सबसे पहले रेस्क्यू ठीक है उनको वहाँ से पकड़ के बाहर लेके आना है लोगों को और उनको जो है सॉरी सबसे पहले हमने सर्च किया लोगों को कि लोग हैं कहाँ कहाँ पर ठीक है जैसे पता है एक बिल्डिंग्स के नीचे लोग गिरे होते हैं तो उनको निकाल के बाहर निकालना सर्च करना रेस्क्यू करना फर्स्ट एड देना ये सब कुछ आ जाता है आपने पिक्चर के थ्रू इसको माइंड में रखना है इन तीनों चीज़ों को इस पिक्चर के थ्रू कि ये उसने सबसे पहले उसको बंदे को पकड़ा सर्च किया रेस्क्यू किया और फिर उसको जो है फर्स्ट एड दी ठीक है मतलब फॉर एग्जांपल वो बिल्डिंग के नीचे मरा हुआ पड़ा हुआ था या मतलब मरा मरा हुआ तो नहीं था वो जिंदा था और वो चीख रहा था ठीक है तो आपने उसको सर्च किया रेस्क्यू किया फ़र्स्ट एड देना शुरू कर दी फिर आता है दूसरा आपके जो बुक में लिखा हुआ है जो हैडिंग लिखी है दैट इज़ फील्ड केयर ठीक है कि आपने जो है उसको आपने उसको हॉस्पिटल लेके गए ठीक है एम्बुलेंस सर्विस सारी वहाँ पर जो अवेलेबल थी वो उसको फील्ड केयर मतलब हॉस्पिटल में फ़ैसिलिटी अवेलेबल हो हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हो हॉस्पिटल में जो है क्या है हॉस्पिटल में सारे बेड्स अवेलेबल हैं सर्जिकल सर्विसज़ जो हैं वो अवेलेबल होंगे अगर इमीडिएट सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती है बंदे की उसकी जान बचाने के लिए तो वो सर्जरी की सारी फ़ैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल हों फील्ड केयर ठीक है उसके बाद ये होता है कि इंफॉर्मेशन सेंटर इंफॉर्मेशन सेंटर मींस के ये कॉल की फैसिलिटीज़ हो जो हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेशेंट जो एक्चुअली वहाँ पर विक्टिम था और उसको उसके घर वालों के साथ रबता होना चाहिए ना घर वाले परेशान होते हैं उनके साथ एक रता कायम करने के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए ठीक है ताकि पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम कोऑर्डिनेट रहें ठीक है उसके बाद आ जाता है ट्राइज वेरी इंपॉर्टेंट यू क्यू के ट्राइज हमने करना होता है मैं आपको बता देती हूँ ट्राईज में हम क्या करते हैं कि उनको मतलब इनको अलग से मैं आपको इसकी बताती हूँ फिगर ना तो ट्राइज में हम क्या करते हैं कि ये नहीं है कि हमने हमने सबसे पहले लोगों को देखा ठीक है एक बहुत बुरी हालत में था एक बिल्कुल मरा हुआ था ठीक है एक ये हो सकता है कि थोड़ी सी उसको इंजरीज आई हैं ठीक है और एक है कि बिल्कुल अब मरने वाली हालत में है मतलब डिफरेंट स्टेज पर लोग होते हैं तो आपने उसी उसी वक्त आपने क्या करना है कि क्लासीफाई करना है लोगों को रैपिडली क्लासीफाई करना है इंजरीज़ को लोगों की ऑन द बेसिस ऑफ स्वे ऑफ़ इंजरी कि किसकी इस इंजरी कितनी स्वेयर है उसके मुताबिक आपने लोगों को क्लासीफाई करना होता है उसको हम कहते हैं ट्राई एज ठीक है तो ट्राई एज हो गया अच्छा उसके बाद आता है कि टैगिंग मैं ट्राई एज के बारे में आपको ना अलग से अभी बताती हूँ बस अभी ये हेडिंग्स देख लें अच्छा फिर आती है आपके पास ये वाली ना ये दिस इज़ एक्चुअली व्हाट दिस इज़ एक्चुअली द टैगिंग के लोगों को आपने टैग किया जैसे ये टैग लगा रहा है उसके बाज़ू के ऊपर उसके ऊपर टैगिंग करते हैं हम इसी ट्राई एज के बाद कि उस टैग के ऊपर हम क्या लिखते हैं कि ये इसका नाम क्या है इस बंदे का इसकी एज क्या है ये कहाँ पर किस जगह का है वो सारा हमने जो है ना उसके टैग कर देना होता है ताकि पता चल सके ना आइडेंटिफिकेशन हो सके उसके बाद हमने डेड को आइडेंटिफाई करना होता है डेड को आइडेंटिफ़ाई जैसे ये मरा हुआ है फॉर एग्जांपल तो उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ डेड करनी होती है फिर हमने जब पता चल गया ये मर गया अब उसको क्या करेंगे अब उस वहाँ से तो हम उसको ऐसे ही नहीं ना पड़े रहेंगे पड़े रहने देंगे उसको हम या तो ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो डिज़ास्टर वाला जो सीन है वहाँ से उसको निकालेंगे ठीक है उसको मॉर्चरी में फ़िक्स करेंगे मतलब मतलब भेजेंगे जहाँ पर सारी लाशें वगैरह होती हैं आइडेंटिफिकेशन करवाएँगे फिर रिलेटिव्स आएंगे उनके उनको दे देंगे ये लो आपकी डेड बॉडी है और अगर अगर नहीं रिलेटिव्स आते रिलेटिव्स को नहीं मतलब ताके इसका कौन सा रिलेटिव है तो हम क्या करते हैं उसको हम उसको जो है बड़ी कर देते हैं मतलब दफना देते हैं ना तो यही कर सकते हैं हम तो ये आपकी होगी टैगिंग और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ डेड और फिर लास्ट आपकी जो पिक्चर शो करिए दिस इज़ एक्चुअली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए विक्टम्स को ताकि वो उस जगह से जो डिज़ास्टर का एरिया है जहाँ पर एक एक्चुअली आया है वहाँ से उनको लेके कहीं और लेके जाया जाए ठीक है तो दिस इज़ एक्चुअली वॉट कि यहाँ पर आपको दिखाया सबसे पहले डिज़ास्टर आ गया उसके बाद हमने रेस्क्यू किया फ़र्स्ट एड फैसिलिटीज़ दी सर्च करने के बाद उसके बाद जो है फील्ड केयर है इंफॉर्मेशन सेंटर है ड्राइज किया टैगिंग की आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड किया और जो है ये आपका आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन तो ये सारी जो बनती है आपकी तकरीबन बनती हैं सेवन हेडिंग्स ठीक है तो आपने पिक्चर्स है इसको याद रखना है अच्छा अब ये देखें कि एक चीज टैगिंग थी जो मैंने आपको बतानी थी आपने यू क्यू आपको बहुत ज़्यादा आता होता है सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है तो ये है कि उसको फिर उसके बाद आपने बताना होता है कि रेड को रेड किस बंदे को टैग करेंगे येलो किस को देंगे ग्रीन किस को देंगे ब्लैक किसको देंगे ये हमने दरअसल ना जो वहाँ पे लोग होते हैं उनको क्लासिफाई करने के बाद ना इन हमने उनके ऊपर टैग लगा देना होता है ये ट्राई ना अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले रेड आता है तो ये रेड उन लोगों को हम देते हैं जिनको इमीडिएट अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए होता है ठीक है क्योंकि जान बचाने के लिए अभी हम उनकी जान बचाने के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे ना तो वो बच जाएंगे वरना वो मर जाएंगे तो इमीडिएट ट्रीटमेंट के जो लोग होंगे उनको हम रेड कलर का टैग दे देते हैं उसके बाद आता है येलो टैग येलो टैग ये है कि जो मीडियम प्योरिटी के हैं मतलब जो आफ्टर रेड जो हमारा आता है ना दैट इज़ द येलो टैग ठीक है जिनको हम डिले कर सकते हैं एक से दो घंटे के बाद मतलब एक से दो घंटे हम उनको जो है ना ऐसे छोड़ सकते हैं खाली ठीक है मतलब मीडियम प्रायोरिटी के लोग हैं ग्रीन वो हैं जिनको माइनर है कैन वेट कैन वेट मतलब थोड़ी सी इंजरीज आई हैं थोड़ी बहुत आ गई हैं और वो वेट कर सकते हैं तो एम्बुलेश एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं मींस के हम उनको एम्बुलेश जो एम्बुलेंस होती है उसके थ्रू हम हॉस्पिटल भेज सकते हैं आराम से ठीक है ये भी हो सकता है इसमें हम ये कह सकते हैं ये माइनर है वो वेट कर सकते हैं और ये जो ब्लैक टैग है ये हम किसको देंगे जो मर गए हैं जो डेड है जो मर चुके हैं उनको हम काला टैग दे देंगे ठीक है इस तरह से हमने जो है क्लासीफाई किया उनको टैग लगा दिए ठीक है ये हम क्यों करते हैं इससे हमें पता चल देखे ऊपर नेम्स लिखे हुए हैं नेम लिखते हैं नीचे डिटेल्स लिखते हैं डिटेल्स में है। मैंने आपको बताया टैगिंग पे क्या लिखते हैं नेम एज प्लेस ऑफ ऑरिजिन वगैरह और रिलेटिव वगैरह इस तरह से हमने टैग कर दिया ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके तो यही करते हैं हम दिस वॉज एक्चुअली द स्टेप्स विच यू टेक जूरिंग द डिजास्टर ये हो गया सो so, हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल में क्या क्या कर लिया मिटिगेशन कर ली प्रिपेरनेस कर ली डिज़ास्टर आ गया उसमें जो हमने रिस्पांस शो किया वो भी हमने कर लिया अब नेक्स्ट आता है रिलीफ एंड रिहेबिलेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ये सारे क्या होते हैं कि डिज़ास्टर के बाद हमने जो स्टेप्स लेने होते हैं पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट पब्लिक हेल्थ इन जो है इंटरवेंशन जिसमें क्या आता है जिसमें वी हैव द रिकवरी फेज ठीक है रिलीफ रिकवरी फेज में क्या क्या होता है रिलीफ होता है रिहेबिलिटेशन होती है लोगों की रिकन्स्ट्रक्शन होती है रिलीफ में क्या हो सकता है कि हम लोगों को जो रिलीफ देते हैं ठीक है उसके बाद रिहेबिलिटेशन के लोगों की आ, लोगों ने मतलब डिज़ास्टर फेस कर लिया उसके बाद हमने उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो उनको देनी है वो हो गया रिलीफ में हम यही होता है कि फूड वगैरह और इस तरह के खाना पा, पानी की फैसिलिटीज उनको चाहिए होती हैं वो देनी होती है ठीक है रिकन्स्ट्रक्शन क्या है कि लोगों को बचाने के बाद अब उनकी बिल्डिंग्स उनके घर उनको मतलब रिकन्स्ट्रक्ट किए जाए ये सब का आता है रिकवरी फेज अब डिज़ास्टर आ गया उसके बाद हम क्या क्या करेंगे ना तो उसमें सबसे पहले जो रिकवरी फेज़ होती है ना वी हैव द कम्युनिकेबल डिजीज़ को सबसे पहले प्रिवेंट करना होता है एपीडीम्योलॉजिकल सर्वेलेंस करनी होती है डिजीज़ को कंट्रोल करना होता है फॉर एग्जांपल हेयर फ्लड आया हुआ है यहाँ पे देखें तो क्या हो सकता है ओवर क्राउडिंग लोग जमा हो जाते हैं ओवर क्राउडिंग होना शुरू हो, हो जाती है सैनिटेशन पुअर हो जाना शुरू हो जाती है कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलना शुरू कर देती हैं सिविल सिस्टम जो होता है वो डैमेज हो जाता है रूटीन जो कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं हमारे वो वो ख़त्म हो जाते हैं उनकी डिस्ट्रप्शन हो जाती है इकोलॉजिकल चेंजेस की डिस्ट्रप्शन हो जाती है वहाँ पे वेक्टर्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं मक्खी मच्छर जो हैं चूहे वगैरह सारा कुछ वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं ठीक है एनिमल्स की डिजीज़ फैलना शुरू कर देती हैं जूनोसिस जिसे हम कहते हैं इसके अलावा क्या होता है कि उनको हमने ये सारी जो डिजीज़ फैल रही हैं इनको हमने कैसे कंट्रोल करना है तो हम पब्लिक हेल्थ मयर्स लेंगे हम उस आउटब्रेक को जो है इन्वेस्टिगेट करके क्या करेंगे रिपोर्टिंग सिस्टम्स के थ्रू हम उन आउटब्रेक्स को कंट्रोल मयर्स लेंगे लोगों की हेल्प से करेंगे मतलब कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन से करेंगे और उनको जो एजुकेशन वगैरह लोगों को करवाएंगे कि आपने कैसे इन इन से बचना है उनको सारी जो है फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड किए जाएँगे उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी करेंगे बेसिक नीड्स क्या होती हैं खाना पानी शेल्टर क्लॉदिंग यही होती है ना बेसिक नीड्स तो उनकी वो पूरी करनी है फूड देना है उनको वाटर सप्लाई देना है शेल्टर और क्लॉदिंग देनी है ठीक हो गया उसके बाद ये होता है कि वैक्सीनेशन करवानी है अब वैक्सीनेशन जो होती है इन लोगों की हमने कॉलरा के अगेंस्ट करवानी होती है टाइफॉइड के अगेंस्ट करवानी होती है कि इनकी हेल्थ वर्कर्स जो वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हैं जो वहाँ पे लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए आए हैं उनको कॉले और टाइफाइड की वैक्सीनेशन देनी है ये या आपने याद हाँ रखना सी की के लिए आ सकता है और जो टेटेनस की है वो हमने उन लोगों को देनी है जो कि पाँच साल पहले इम्यूनाइज़ हुए थे और अब उनको एक ओपन वूड आई हुई है तो उनको हम वैक्सीनेशन देंगे तो लोगों को हमने टेटेस देना है हेल्थ वर्कर्स को हमने जो है टाइफाइड और Uh, जो कॉलरा है उसकी वैक्सीन देनी है ठीक है अब वो डब्ल्यू एच कहता है कि हम जो है वो रिकमेंड नहीं करते इसको या मतलब रीड कर लें उसके बाद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है वही हो गया फूड प्रोवाइड करना है उन लोगों को जो बच्चे होते हैं इन्फेंट्स हैं चिल्ड्रेन हैं प्रेगनेंट वुमेन हैं नर्सिंग मदर्स हैं सिक पर्सनस हैं वो ज़्यादातर मेल न्यूट्रिशन हो सकती है ना उनको तो हमने क्या करना है उनको फूड सप्लाई करना है उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करना है उनकी डेली जो फूड राशन उनको मिलना चाहिए वो हमने देखना है उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को हमने चेक करते रहना है कि कहीं वो वीक तो नहीं होगा ये वो उनको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही वाइटामस वगैरह की ठीक है तो न्यूट्रीशन प्रोवाइड हो गई उसके बाद आ जाता है रिहेबिलिटेशन रिहेबलीटेशन ये होता है कि हमने जो डिज़ास्टर आया वहाँ से लेके जो पहली प्री डिज़ास्टर कंडीशन थी तब तक की स्टेट को वापस ले कर आना है तो हम क्या मयज लेंगे रिहेबिलटेशन में क्या करेंगे तो वही आ जाता है दोबारा से कि वाटर सप्लाई करें उनको सेफ़ वाटर मिलना चाहिए ठीक है जिसमें बिल्कुल कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए क्लोरिन कॉन्टेंट उनका जो ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट सेवन मिलीग्राम्स पर लीटर होना चाहिए ठीक है इसके अलावा यह कि सेफ वाटर होना चाहिए एडिक्वेट एक्सक्रीटा डिस्पोजल होना चाहिए ठीक है मतलब के जो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं उनको वो प्रोवाइड की जानी चाहिए और वाटर जो सोर्स है उसको सेफ़ डिस्टेंस होना चाहिए सारा आप इन्वायरमेंट में वाटर के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा या यहाँ अभी यहाँ पर हमने पढ़ना भी है ठीक है और यह है कि उन लोगों को हमने कहना है कि जो है वेल्स की सैनिटरी वेल्स उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए ये सारे वाटर की फैसिलिटीज़ मतलब प्रॉपर वाटर सप्लाई विदाउट एनी कंटामिनेशन उनको प्रोवाइड होना चाहिए फिर आता है फूड शेल्टर फूड मतलब सेफ्टी उनको कि खाना जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी हाइजेनिक होना चाहिए उनकी बेसिक सैनिटेशन पर्सनल हाइजीन जो है वो होनी चाहिए कि उनको उनको जो है लेटरिनस की फैसिलिटीज होनी चाहिए उनको वॉशिंग क्लिनिंग बाथिंग की फैसिलिटीज जैसे हम आजकल मतलब हम सुकून से रहमद बैठे हुए हैं घर में वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं वॉशिंग वगैरह की धोने नहाने की सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास है लेकिन जिसमें डिजास्टर आया होगा ये सारी फैसिलिटीज़ उनकी खत्म हो जाएंगी बेसिक जो इनकी सैनिटेशन पर्सनल हाइजीन जो है वो अफेक्ट हो तो हमने उनको वो भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है फिर आता है वैक्टर कंट्रोल सो वेक्टर कंट्रोल भी हम लोगों का करना है कि जो वहाँ पे डेंगू है जो वहाँ पे टाइफस है प्लेग है लेप्टोस्पायरोसिस है इस तरह की जो डिजीजेज़ वाटर कंटेमिनेशन से या इस तरह से ओवर क्राउडिंग और पुअर सैनिटेशन से फैल सकती है हम लोग कंट्रोल करना है ठीक है नेक्स्ट आपके पास आता है दिस वन विच इज़ एक्चुअली रिकवरी फेज में आता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनकी हमने रिहेबिलिटेशन करनी होती है तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो रिहेबिटेशन में तो हमने ये भी किया ना वाटर सप्लाई फूड सप्लाई बेसिक सैनिटेशन पर्सनल हाइजीन वक्टर कंट्रोल फिर आता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनके वजह स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ठीक है तो एक्चुअली वो जो है ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमने बच्चों का इस्पेशली पेशेंट्स का चिल्ड्रेन का रिलेटिव ऑफ द विक्ट के जिन लोगों के लोग मरे हैं उनकी हमने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करनी है तो so, ये आपने हेडिंग्स याद कर लीनिया सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करना है वैक्सीनेशन करवानी है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है रिहेबिलिटेशन mm -hmm. करनी है ये फोर हेडिंग्स हो गई और रिहेबिलटेशन में फ़र्दर क्या क्या है कि वाटर सप्लाई फूड सेफ्टी बेसिक सैनिटेशन पर्सनल हाइजीन वेक्टर कंट्रोल एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नेक्स्ट ये हम देख लेते हैं स्टेप्स इन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट जिसमें है प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हमने अभी छोड़ा हुआ था ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल से पहले मिटिगेशन से पहले वाला वो हम देख रहे हैं तो इसकी जस्ट आपने जो है ना निमोनिक मतलब इनका जो इन्होंने दिया हुआ है ना पोस्ट कॉर्ब ये आपने याद कर लेना और इससे यह है कि आपके ये सारे याद रहेंगे बस आपने इसकी जो है ना हेडिंग्स याद करनी है ठीक हो गया रीडिंग आपने करनी होगी तो कर लेना लेकिन ज़रूरी नहीं है जस्ट ये यूक्यू में यही पूछते हैं प्लानिंग सबसे पहले पी फॉर प्लानिंग ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग एस फॉर स्टाफिंग ठीक है ये डी डी नहीं है ये टी है ट्रेनिंग ठीक है ट्रेनिंग पोस्ट कॉर्ब ठीक है सी ओ कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग बजटिंग ठीक है तो ये आपके पास है प्लानिंग सबसे पहले प्लान किया उसको ऑर्गेनाइज किया स्टाफिंग की डायरेक्टिंग की कोऑर्डिनेटिंग की रिपोर्टिंग की बजटिंग की थोड़ा सा बल्कि मैं आपको बता ही देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए प्लानिंग में हम क्या करेंगे डिज़ास्टर से पहले हम क्या प्लान करेंगे कि रिसोर्सेज हमारे पास हैं कि नहीं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनको प्लान करेंगे हम एक्शन जो हमने लेना होगा डिज़ास्टर के दौरान उसको डिसाइड करेंगे ठीक है तो इसमें यह होता है कि आ, हम प्लानिंग में क्या करते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं कि जो पॉपुलेशन है डिज़ास्टर जिसके ऊपर रिस्क आता है मतलब रिस्क जिसके ऊपर आ सकता है उस पॉपुलेशन उसको जियोग्राफिकल एरिया को हम देखेंगे उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ पर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं उन सबको हम देख के प्लान करेंगे ठीक है तो ये सब कुछ ना एक्चुअली प्लान में आ जाता है तो हमें प्लान करना होता है ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन uh, करते हैं सारे जो ऑर्गेनाइज करते हैं स्टाफ को ना और जॉब uh, की डिस्क्रिप्शन करते हैं कि जो स्टाफ मेम्बर है उसको बताए जाए उसको ऑर्गेनाइज वे में बताया जाए कि आपकी क्या जॉब है आपने क्या करना है तो उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए हम कह सकते हैं फिर स्टाफिंग आ जाती है स्टाफिंग में क्या होता है कि हम एक्चुअली uh, uh, जो स्टाफ है उसको सिलेक्ट करते हैं कि जो एक जैसा काम करे फॉर एग्जाम्पल फायर आर्म है वो सारे एक जैसे रेस्क्यू करवाएंगे मतलब फायर आर्म बिल्डिंग कहीं आग लग गई है तो फायर आर्म मैन वहाँ पर इकट्ठे जाएंगे ना और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब लोग मर गए हैं उनको दिफलाने जाएंगे तो उनको अलग स्टाफिंग कर देंगे तो इस तरह से स्टाफिंग हर एक जो है वन टास्क शुड बी गिवन टू टू परसन के ये तुम्हारा काम ये है तुम्हारा काम ये है उन सबको ये काम बताना ठीक है उसके बाद यह है कि एमरजेंसी स्टाफ भी हमारे पास होना चाहिए ऑब्वियसली ट्रेनिंग ठीक है डी फॉर नहीं है यहाँ पे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग है टी फॉर ट्रेनिंग के वो जो जो स्टाफ है उनकी अच्छी सी ट्रेनिंग की जाए कि आपने मतलब पहले हमने स्टाफिंग कर ली उनको काम बता दिया उसके बाद उनकी ट्रेनिंग की जाए ताकि वो जो डिज़ास्टर आएगा उसमें उन्होंने क्या काम करना है ये हो गया उसके बाद सी फॉर कोऑर्डिनेशन के एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट करें उनके साथ मतलब कम्युनिकेशन उनकी अच्छी हो रही इस तरह से यही हो गया आर फॉर रिपोर्टिंग के जो भी डिज़ास्टर आया है उसमें रिपोर्टिंग जो है इंफॉर्मेशन करेक्ट हो ये नहीं है जैसे वो न्यूज़ चैनल्स पर आना शुरू हो जाता है इनकर इन्फॉर्मेशन भी डाल देते हैं तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करना उसके बाद बजटिंग के वो जो डिज़ास्टर आ रहा है उसमें हमें कितने बजट की ज़रूरत है ये सब कुछ ठीक है तो ये एक्चुअली डिज़ास्टर से पहले पहले जो है ना हमने ये कुछ प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट करनी होती है इसको आपने निमोनिक से याद रख लेना उनका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली इस चीज़ में है क्या ठीक है तो इसका जो बाकी पार्ट है ना वो हम नेक्स्ट से करते हैं लास्ट लेक्चर में